दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा मकसद भारत को विश्व में नंबर वन बनाना है और मैं जानता हूं कि देश की 130 करोड़ की आबादी मेरे इस मकसद के साथ है। और केजरीवाल ने ये बात भी कही कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित हर हाथ तिरंगा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भीमराव अम्बेडकर और शहीद भगत जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश अभी देशभक्ति की लहर में डूबा है, हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, ये समय है उन शहीदों को याद करने का जिन्होंने शहादत और संघर्ष से हमारी आज़ादी मिली है। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरी दिल्ली में हमने 500 तिरंगे लगाए हैं, दिल्ली आज तिरंगों का शहर बन गई है, देश भर में सबसे ज़्यादा तिरंगे यहाँ हैं, आज यहाँ आते हुए उनमें से मुझे 9 तिरंगे दिखे। हमारा यही मकसद था, हम रोजमर्रा की जिंदगी में देश को भूल जाते हैं लेकिन दिल्ली आपको भूलने नहीं देगी। और अभी जो आप लोगों ने कार्यक्रम देखा, जितने लोग आज यहाँ आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ हजारों स्टूडेंट्स और दिल्लीवासी आज यहाँ मौजूद हैं। मुझे लगता है आप सब लोगों को आज की ये शाम 75 साल आज़ादी के मनाने की ये शाम यादगार रहेगी, हमेशा जिंदगी में याद रहेगी। पूरा देश इस वक्त देशभक्ति के रस में डूबा हुआ है। अपने अपने तरीके से, नए नए तरीके से देश भर में लोग आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, जगह जगह जश्न मनाए जा रहे हैं, जगह जगह किस्म किस्म के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये समय उन सब शहीदों को याद करने का, जिन लोगों की शहादत की वजह से और जिन लोगों के संघर्ष की वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली, ये समय उनके सपनों को याद करने का, वो कैसा भारत चाहते थे। अनगिनत लोगों ने शहादत दी, अनगिनत लोग जेल गए, कईयों ने काला पानी काटा, बहुत यातनाएं सही, लेकिन मैं खासकर दो स्वतंत्रता सेनानियों की जिक्र करना चाहूंगा, एक बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, पूरी जिंदगी संघर्ष किया, एक बहुत ही गरीब परिवार से निकले, पूरी जिंदगी आजादी के लिए लड़े एक तरफ और दूसरी तरफ दबे कुचले गरीबों दलितों के लिए लड़े, उनको उनका हक दिलाने के लिए लड़े, बराबरी के हक के लिए लड़े। और एक गरीब परिवार से, एक गांव से निकल के वो अमेरिका से और लंदन से, पता नहीं कहां कहां से वो पीएचडी की डिग्री, दो दो डॉक्टरेट करके आए, दो। और दूसरा मैं याद दिलाना चाहूंगा शहीद आजम भगत सिंह, उनकी शहादत को याद कीजिए। 23 साल का लड़का, 23 साल की उम्र में कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता है, कोई अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा होता है, कोई पिक्चर देख रहा होता है, 23 साल की उम्र के अंदर वो आदमी देश के लिए शहीद हो गया, फांसी चढ़ गया। भगत सिंह से हमें सुप्रीम सैक्रिफाइस की प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए अगर जरूरत पड़े तो जान भी कुर्बान कर देना, उसकी भी चिंता मत कर। पूरी दिल्ली में हम लोगों ने 500 जगह तिरंगे लगाए हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे तिरंगे देखे आप लोगों ने। दिल्ली हैज बिकम द सिटी ऑफ ट्राई कलर्स, दिल्ली तिरंगों का शहर बन गया है, पूरे देश में सबसे ज्यादा ऊंचे तिरंगे दिल्ली के अंदर हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा तिरंगे। अभी मैं घर से निकला और यहां आ रहा था, आते आते रास्ते में मैंने गिने, वैसे तो आज बहुत सारे तिरंगे हैं हर जगह, लेकिन जो बड़े वाले तिरंगे
जो 500 तिरंगे लगाए हैं, मुझे 9 तिरंगे दिखाई दिए, बड़े वाले तिरंगे। यही हमारा मकसद था। हमारा मकसद था कि हम लोग रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खो जाते हैं, घर में, फैमिली के साथ, दफ्तर में, देश को भूल जाते हैं जिंदगी जीते जीते। दिल्ली आपको भूलने नहीं देगी, आप घर से बाहर निकलोगे आपको तिरंगा दिखाई देगा।